अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। केजरीवाल जी, अपने कोई पैतृक संपत्ति बेच के अस्पताल खोला है या हमारे पैसे के टैक्सों से खोला है? चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, इस तरह के बयान किए, कांग्रेस पार्टी का पूरा बंटाधार हुआ, बाईपास हुआ। यार से 500 रुपए में आ जाते हैं आप? जी बिल्कुल, 500 रुपए में तो आ जा सकते हैं, लेकिन एक बात राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कही थी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले भी वे मर जाता है। 500 रुपए का टिकट करा के आते हैं पूर्वांचल के लोग, सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह के बारे में बोला। ये पूरे देश का हार्ट है दिल्ली, यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं। बिहार से 500 रुपए का टिकट करा के लोग यहाँ पे आ जाते हैं दिल्ली में और फ्री का यहाँ पे इलाज कराते हैं। ये बयान आपको कैसा लगा? तो ये पड़ोस में पड़ता है तो यहीं आएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान आया कि उन्होंने कहा कि जो है पूर्वांचल और बिहार से लोग 500 रुपए का टिकट करा के यहाँ पे आते हैं और इलाज करा के चले जाते हैं। उनका ये बयान कैसा लगा? एक सिर्फ पूर्वांचल और बिहार को? मेरा ये मानना, मैं देखो, मैं, मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रवक्ता, कुछ नेता और कांग्रेस पार्टी के मेन मुखिया जो वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, इस तरह के बयान किए, कांग्रेस पार्टी का पूरा बंटाधार हुआ, बाईपास हुआ। अब आ जाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी NRC को लेके बेतुके जवाब बयान दिए, तब ये मतलब इन्होंने हंगामा किया, आज 500 रुपए से लेकर 5 लाख की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी इस तरह के बयान देगी, अब आने चुनाव का समय है, सरकार का बनने का तय वक्त है। और दूसरी बात, ये केजरीवाल जी क्या अधिकारी रहे हैं तो इनको ऑर्डर देने की आदत है, इनको ऑर्डर सुनने की आदत नहीं है। कोई भी पार्टी हो, हर जगह से कोई ना कोई बयान आता है, लेकिन सिर्फ UP और बिहार ऐसा है। पहली बात तो सरकार की गलती है, ये कर अभी आ रही आते हैं 500 रुपये में इलाज करा कर 5 लाख का चले जाते हैं। ये अपनी उपलब्धि गिनवा रहा था कि हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटी है, बिहार से आदमी आता है 500 रुपये में 5 लाख का इलाज करा जाता है। 500 रुपये दे के बिहार से आते हैं जो गरीब आदमी है, सर इनके पास इतना पैसा होता 500 रुपये दे के आते तो यहाँ दिल्ली में क्यों इलाज करवाते? ये देश तो पूरे सबका देश है ये तो। आप दिल्ली में केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, आप सर्वे करो दिल्ली के अंदर जितने हॉस्पिटल है, इतने एम्बुलेंस वहाँ पे है, जितने मरीज नहीं है, क्यों वहाँ पे जो आदमी चला गया ना वो जिंदा बच के नहीं आता, तो वहाँ पे इलाज ही नहीं, जब इलाज ही नहीं होता तो क्या फायदा चीज़ का? देखिए, जो केजरीवाल जी ने जो बात कही है वो बयान बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि दिल्ली के अंदर यूपी और बिहार की ही जनता ज़्यादातर बसी हुई है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी सुविधाओं को लेते हैं। 500 रुपए में यूपी बिहार के लोग आ जाते हैं यहाँ पे? देखिए, बिहार की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को जयंती है और इनका आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण से हुआ और राष्ट्रपिता कहलाए। जब हमने गोरे अंग्रेजों को भगा दिया तो केजरीवाल क्या कोई भी नेता जो काले अंग्रेजों के तौर पर व्यवहार कर रहे, जो हमें बांटने का काम कर रहे प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बिहार के लोग, यूपी के लोग अगर दिल्ली में ही नहीं देश के किसी भी भाग में रहते हैं तो वहाँ हम टैक्स भी देते हैं, सामान खरीदते हैं। तो आप कहाँ से? हम बिहार से हैं, दरभंगा बिहार से हैं। तो केजरीवाल जी को हम बताना चाह रहे हैं, केजरीवाल जी को ऐसे तो पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन अनपढ़ और जाहिलों की तरह बात कर रहे हैं, मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं, पागलों की तरह बात कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए। एक मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है और वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। अब कुछ लोग, उनके लोग समर्थक कहते हैं नहीं जी उन्होंने सफाई में कही, बुराई में कही, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, केजरीवाल जी अपने कोई पैतृक संपत्ति बेच के अस्पताल खोला है या हमारे पैसे के टैक्सों से खोला है? दिल्ली देश की राजधानी है, ये किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, जो हम यहाँ नहीं आ सकते, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ बता तो रहे, बिहार गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, भगवान जो सीता माता की जन्मस्थली है, गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, महर्षि वाल्मीकि का कुटिया रहा है वहाँ, गौतम और अहिल्या दरभंगा से 6 किलोमीटर दूर जो पत्थर से हुए थे विराजमान, सब कुछ साधन वहाँ है, विश्वामित्र जो गायत्री मंत्र की रचना करी थी उनकी जन्मस्थली है। केजरीवाल को समझना चाहिए कि वो किसका अपमान कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ से हैं? बिहार से ही है। बिहार से 500 रुपए में आ जाते हैं आप? जी बिल्कुल, 500 रुपए में तो आ जा सकते हैं, लेकिन
एक बात राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कही थी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले भी बेक मर जाता है। तो उनके ऊपर जो अभी चुनाव आने वाला है, तो उन अपने हार के डर से उनके मानसिक दिवालियापन जो है वो उजागर हो रहा है। बहुत देर से आप खड़े हैं, आप बताइए केजरीवाल का बयान आपको कैसा लगा कि 500 रुपए में यूपी बिहार के लोग दिल्ली में आ जाते हैं, इलाज करा के, फ्री में इलाज करा के चले जाते हैं, ये बयान के साथ है या विरोध करेंगे? ये बिल्कुल विरोध करेंगे। ये बयान जो है, पहले मुझे लगता है केजरीवाल जी अपना शायद मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जो इस तरह के आए दिन कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। और जो इन्होंने बयान दिया ना, ये बिल्कुल ये अपमान है। और इनसे इनको ये नहीं पता कि दिल्ली के अंदर जो बिहार के और यूपी के जो लोग हैं उनका इतना कंट्रीब्यूशन है यहाँ की अर्थव्यवस्था पर, कि दिल्ली अगर ये सारे वहाँ से चले जाए ना तो दिल्ली आधी खाली हो जाएगी। सर बयान जो है बिल्कुल ठीक है, उनके कहने का मतलब 500 रुपए जो बोल रहे हैं ना वो टिकट का किराया बोल रहे हैं, ना कि वो ट्रीटमेंट का इलाज बता रहे हैं। यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली में आके अपना इलाज करवाना पड़ रहा है, तो यूपी और बिहार की सरकार क्या कर रही है? बात तोड़ी मरोड़ी जा रही है मिस्टर केजरीवाल। कभी भी मैं आपको एक बात बड़े क्लियर कर दूं, भारत के अंदर अगर बिहार के लोग निकल जाएं तो यकीन मानिए काम सारा ठप हो जाएगा। हर स्टेट के अंदर बिहार का लोग है, बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। और किसी भी स्टेट के अंदर से अगर बिहार या यूपी के बंदे निकाल दिए जाएं पूरा काम ठप हो जाएगा। बात ये उठ रही है कि जो है, जैसा इन्होंने कहा, बाकी लोग कह रहे हैं कि जो सिर्फ यूपी और बिहार, पूर्वांचल और बिहार का नाम लेना, क्या ये जायज है? नहीं, वो देखिए वो बात अलग है, वो हो सकता है बात को तोड़, मैं वही बता रहा हूँ ना, मैंने अभी आपसे क्या कहा, अगर बिहार और यूपी के लोग अगर नहीं हो तो काम नहीं हो पाएगा। मैं बोलता हूँ, मैं बचपन से देख रहा हूँ मनोज तिवारी से, हमारी उम्र क्या बाद में बताऊंगा, कम से कम 40 साल से मनोज तिवारी जी पूजनीय है हमारे लिए। क्यों है, बच्चे को गाय खींचे, बच्चे को जो हिंदी जाने। मनोज तिवारी की बात मत करिए, बयान आपको कैसा लगा, क्या आपको लगता है कि सिर्फ यूपी और बिहार का नाम लेना ठीक है? भारत की राजधानी दिल्ली में पूरे देश के लोग आते हैं, ये बिहार का नाम लेना, यूपी का नाम लेना या ये किसी राज्य का नाम लेना, उस राज्य की तौहीन करना है उनको, ठीक है? फिर ये पूरे देश का हार्ट है दिल्ली, या पूरे देश से लोग आते हैं, ठीक है? और समय पर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, उनको उनको जाना है वो चले गए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये तो उनका जो बचकाना बयान है। केजरीवाल का जो बयान आया है बहुत ही शर्मनाक बयान है, यूपी और बिहार और पूर्वांचल लोगों का इसमें अपमान है, उनको तुरंत ही इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सही बात है। और केजरीवाल को तो ये सोचना चाहिए, सीएम किस लिए बनाया, इसीलिए तो बनाया जनता की सेवा करें। अब ये थोड़ी यूपी बिहार पश्चिम कहीं के भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है उनको। यूपी और बिहार वालों ने केजरीवाल को सीएम बनाया है, वही यूपी बिहार वाले केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से आने वाले चुनाव में हटाने वाले हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप जो ये बयानबाजी कर रहे हैं ये बहुत निंदनीय है।